दोस्तों, क्या आपको पक्का पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करती है? और भाई, अगर आपको पक्का पता है इसका, तो भाई वीडियो में मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे टिप दूंगा जिससे आपकी गर्लफ्रेंड आपको दोबारा मिल जाएगी वापस, और भाई आप उसे जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं लव इन लाइव। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो सच में किसी लड़के से बात करती है आपके सिवा, क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है वो अपनी भाई से बात कर रही हो, आप किसी दोस्त से बात कर रही हो, या कोई प्रॉब्लम में है 2-3 दिनों से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हो भाई। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन्स माइंड है वो इतने निगेटिव तरीके से काम करता है कि वो अगर किसी रिलेशनशिप वाले से भी बात कर रही हो ना, अपने रिश्तेदार से, तो भी हमें ऐसा लगता है यार वो किसी और लड़के से बात कर रही हो। और भाई, इसके रहते हम अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हैं, मतलब आप उससे और दूरी बनाने लगते हैं और आप भी सैड रहने लगते हो और उससे गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हो कि वो भी आपसे दूर चली जाती है हमेशा के लिए। तो भाई, पहले तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि भाई वो सच में किसी दूसरे लड़के से बात करती है। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि भाई एकदम तो आपको पता लगेगा नहीं कि वो किसी और से बात कर रही है, या सिर्फ आपको उसका वहम है। भाई, उससे पहले आपको अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है और हंसते हुए साथ रहना है। बिल्कुल उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि भाई जो हम शक करते हैं ना, ये सबसे बेकार चीज़ है। और क्या पता वो आपसे सबसे ज़्यादा आपसे प्यार कर रही हो और कुछ प्रॉब्लम हो उसे जो आप उससे पूछना नहीं चाह रहे हो और वो आपको बताना नहीं चाह रही है, जिससे आपकी लाइफ भी ख़राब हो रही है। तो भाई, पहले उसकी लाइफ के बारे में जानो, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानो। और भाई, अगर फिर भी सच में आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करती है, और भाई आपने इसे देख भी लिया है किसी और लड़के के साथ, आवाज़ भी सुन ली है, और फिर भी आप चाहते हो कि अब मुझे बदला चाहिए, तो भाई इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उससे बदला ले सकते हो और भाई वो आपके पीछे भी पड़ जाएगी। तो भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आपको अब पता लग चुका है कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है, तो भाई कुछ लड़के तो ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल सैड हो जाते हैं, दारू वारू पीने लगते हैं। तो भाई, हमें तो ये पागलपन करना नहीं है, हमें करना क्या है, हमें बिल्कुल भी शांत रहना है, बिल्कुल शांत, और भाई ये माइंड में बिल्कुल भी नहीं फील करना है कि अब आपकी लाइफ उसकी वजह से ख़राब हो रही है। आपको ये सोचना है कि वो लड़की जितनी लड़कियाँ थीं उनसे सबसे बेकार है, और भाई वो आपके लिए बनी ही नहीं थी भाई, आपको और मन ही मन खुश होना है। तो भाई उस खुशी को बाहर भी लाओ, आप दिल में साइड हो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर जरूर लाना है खुशी को, मतलब उसे दिखाना है कि आप इतने खुश हो, वो कितने भी टाइम आपको मतलब फील कराए कि वो आपसे रिलेशनशिप तोड़ना चाहती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना है। और भाई, आपको सबसे ज़्यादा यही फील कराना है उसे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो उससे कम टाइम बिताने के साथ साथ। आप भाई उसका सहारा ले सकते हो पबजी का, जो आप बहुत चल रहे हैं, पबजी भी खेलो, कुछ दोस्तों के साथ रहो, लेकिन इतना खुश रहो कि वो भी जलने लगे, यार ये इतना खुश रहता क्यों है, मैंने तो इसे छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरे के साथ रह रही हूँ, फिर भी ये इतना खुश क्यों है। और भाई उसके बाद अगर आप चाहो तो कोई आपकी फीमेल फ्रेंड है, आप उसके साथ समय बिताओ, उसे लगेगा कि यार ये मुझसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है, तो भाई धीरे धीरे वो उसे इतना जलन पैदा होने लगेगा, इतना होने लगेगा कि वो आपके बिना रह नहीं सकेगी बिना बात किए भाई। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, जो निगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा पकड़ता है, मैंने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसके बारे में इतना नहीं सोचते जितना अपने दुश्मन के बारे में सोचते हो। तो यही इसी का फ़ायदा उठाना है यार हमें, जब हम लड़की को जेलस फील कराएंगे तो भाई वो ना चाहते भी आपके पीछे पड़ जाएगी और आपसे बात करने की कोशिश करेगी। फिर भाई आप जब वो आपके पीछे पड़ जाए और आपसे बात करने की कोशिश करे, तो कुछ समय के लिए आपको बात नहीं करना है, और भाई जब आपको बात करना है तो आपसे बोलना चाहिए कि यार आपके पास तो टाइम नहीं होता मेरे लिए, तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों में टाइम व्यतीत करूं। तो भाई ऐसे ही आप उससे सारी बातें फिर बैठ के कंप्लीट तरीके से अपना पूरा शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप दोबारा चालू कर सकते हो। लेकिन भाई मेरा मानना है, मैं जिस लेवल से सोचता हूँ, मेरा मानना, अगर किसी आपसे प्यार होते हुए किसी दूसरे लड़के से बात करती है तो भाई उसे छोड़ देना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि आज अगर वो किसी लड़के के साथ है तो कल दूसरे लड़के की भी साथ हो सकती है आपके सिवा। तो भाई उससे रिलेशनशिप बनाना
और सच्चा प्यार करना बहुत ही गलत है। अगर हाँ, अगर आप उससे सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हो, सिर्फ काम निकालना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है भाई, निकाल सकते हो, जैसा मैंने बताया, टिप दिया उसके साथ। लेकिन अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो भाई उसे छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों अगर लड़की आपको एक बार धोखा दे चुकी है तो उसका क्या भरोसा है यार, वो दोबारा भी आपको धोखा दे सकती है। तो मैं तो भाई यही बोलूँगा कि आप दूसरी गर्लफ्रेंड देख लो, जो आपको सच्चा प्यार करे, आपकी फीलिंग को समझे और आपका साथ निभाए। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। मैं भाई डेली अब वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो यार, धन्यवाद।